नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के शक्ति वाले वार को भी हथियार बना लिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया और कहा कि यह एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को साफ हो जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के बाद अब शक्ति को लेकर विपक्षी वार को भी हथियार बना लिया है। एक दिन पहले ही मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना से इसे लेकर पलटवार किया है। उन्होंने तेलंगाना के जगतियाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली थी। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद एनडीए अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उन्होंने कहा कि उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उनके घोषणा पत्र का ऐलान है कि मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। एनडीए अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। पीएम मोदी ने कहा कि एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। उन्होंने कहा कि मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने सवालिया अंदाज में कहा कि बताओ, आप शक्ति को समाप्त करने वालों को मौका देंगी क्या? शक्ति के विनाश का विकल्प करें, माताएं बहने शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। बहरहाल राहुल गांधी ने मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन अवसर पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम एक व्यक्तिगत बीजेपी या फिर मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शब्द से लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि वह शक्ति क्या है। राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा हर संस्था में है, ईडी सीबीआई आईटी में है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर शुरू हुई सियासत आगे क्या रूप लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। केसवानी जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता है अमित शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है के एस साइनी। जिस तरह से साइनी जी, सबसे पहले सवाल आप ही से है कि जो राहुल गांधी कुछ भी अगर बोलते हैं तो बीजेपी उसको अपने एक अलग रूप में लेके चीजों को हथियार के तौर पे यूज करती है। चाहे वो हिंदू हिंदुत्व का मामला था तब भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिर अभी जो उन्होंने कहा है कि शक्ति को रूप, हालांकि शक्ति से पावर का उनका मतलब था, लेकिन यहां पर वो शक्ति, वो दूसरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया क्या?
तो ऐसे उन्होंने कि जय श्री राम का नहीं होता है, सिया राम करके होता है, जब भी हम किसी से मिलते थे ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने जय श्री राम लगाया, बल्कि हम किसी से जब मिलते थे तो सिया राम कहते थे। तो इस तरह के जब भी कुछ वो बोलते हैं, राहुल गांधी बीजेपी एक अलग दिशा लेके उसे भुना लेती है और उसका कहीं ना कहीं फायदा भी ले लेती है। जी बिल्कुल सही है आपका आकलन। राहुल जी कभी भावुक होके कुछ शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं और ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस वो समझते नहीं है जैसे मुझे लगता है। जैसे आपको ध्यान होगा इसी वजह से उनने एक बार कहा था कि सारे मोदी चोर हैं और उस वजह से उनको जाना पड़ा, मतलब कोर्ट जाना पड़ा, वहां उनको माफी मांगनी पड़ी और उनका सदस्यता चली गई, घर चला गया और बाद में फिर रिवाइव हो गया। लेकिन बात यह है कि इन सब इंसिडेंट्स के बाद भी राहुल जी जो है सबक नहीं सीखते हैं। वो जब कहते हैं तो भावुक हो जाते हैं और जो मतलब उनको आता है शब्द उनके मुंह पे, शायद मुझे लगता है वो वही बोल देते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, उसका फ्यूचर क्या है, उसका इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक, आप जानते हैं कि मोदी कितने इस कला है उनके हाथ में ये कि कोई भी शब्द को किस तरह से ट्विस्ट करके वो अपने फायदे में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बिल्कुल कई बार इस चीज का वो हो चुका है अनुभव और उस अनुभव के बाद भी ये बार बार रिपीट होता है, जो कि राजनीतिक तौर पे उनको खूब नुकसान होता है। अब ये चुनाव का वक्त है, इस तरफ जब हिंदुत्व कार्ड पे पूरा खेल खेला जा रहा है, इमोशनल कार्ड यूज होता है चुनाव के वक्त, और ऐसे वक्त पे आप इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल कर लें, आप बाद में इसका क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे कि शक्ति से हमारा मतलब ये था शक्ति से, पर कोई भी बच्चा जानता है कि हिंदू धर्म में शक्ति का जो तात्पर्य देवी शक्ति से होता है। हम दुर्गा को शक्ति मानते हैं, हम काली माता को शक्ति मानते हैं और हम सारी देवियों को जो है शक्ति का रूप माना जाता है। तो अब मोदी ने ये कह दिया कि हम तो शक्ति की पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक नुकसान जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ता है और जितने अलायंस है उनके साथ भी ये दिक्कत है कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जहां वो फायदा सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है। और हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ गए हैं और बीजेपी से केशवानी भी जुड़ गए हैं। सुमित जी, जिस तरह से देखें राहुल गांधी भावनात्मक रूप से कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं अमित जी, तो हमेशा बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है, ऐसा अमित जी होता अक्सर क्यों है? क्या वोकैबुलरी या हिंदी के शब्दों पे पकड़ राहुल जी की कम है, या फिर वो तो सही बोलते हैं लेकिन दिशा कुछ और दे दी जाती है? और अक्सर हमने देखा है कि इस दिशा देने में बीजेपी कामयाब भी होती है, चाहे हम जय श्री राम का जो मुद्दा ले लें, चाहे हिंदुत्व तो हिंदू वाला मुद्दा ले लें जब उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज है, और ऐसी हम शक्ति वाला, शक्ति से मतलब उनका पावर था लेकिन यहाँ शक्ति वो देवी शक्ति की तरफ पहुंच गई और अच्छा खासा हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है। तो आप जब वो हिंदू धर्म से जोड़ रहे हो उसको, बिल्कुल, तो अगर वो ये नहीं कहते सिर्फ शक्ति ही इस्तेमाल करते तो भी मेरे ख्याल से इसको जस्टिफाई किया जा सकता। जी अमित जी, देखिए हिंदू धर्म में जिस तरीके से जिन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वयं प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आज राजनीति कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति के उपयोग पर हिंदू धर्म में जो हमारे जब हिंदू धर्म में शक्ति की बात होती है तो शक्ति माँ दुर्गा होती है, माँ काली होती है और हर जनन जननी होती है, वो जो चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, वो एक शक्ति है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस शब्दों को शक्ति का अपनी शक्ति बता रही है, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, जब कहां गई थी जब बलात्कारी कुलदीप सेंगर जो पूर्व भाजपा का विधायक था, जब वो एक बहन का बलात्कार करता है, जब कहां गई थी ये शक्ति जब ब्रजभूषण भाजपा का सांसद यौन उत्पीड़न के मामले में लिप्त होता है, जब कहां गई थी ये शक्ति संदीप सैनी पूर्व खेल हरियाणा मंत्री, जब कहां गई थी चित्मानंद बलात्कारी शारीरिक शोषण का जिसमें कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया, कहां गई थी भाजपा नेता की शक्ति जब कन्हैयालाल मिश्रा ने शक्ति का दुरुपयोग कर शक्ति को प्रताड़ित करने का काम किया, कहां गई थी अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो शक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता पुत्रों की, कहां गई स्वयं जिनके साथ स्मृति ईरानी और स्वयं प्रधानमंत्री के फोटो थे और उनकी लोकसभा के बनारस की हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है और तीन भारतीय जनता पार्टी के नेता कृत्य करते हैं, कहां गई वो शक्ति जब विदिशा जिले के अंदर
खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले उसके खेलने पढ़ने के नाम पर उस बच्ची को शोषण शारीरिक शोषित किया और वो आत्महत्या करती है और फिर उसके पिता आत्महत्या करते हैं। जब प्रधानमंत्री की ये शक्ति अवशोषित नहीं हुई, जब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का सर नहीं झुका, जब लेकिन आज शब्दों की शक्ति का जो दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये शक्ति मुझे मिल गई है, तो मैं समझता हूं कि देश की जनता भी यह चुनावी शक्ति को जानती है। और आप में इतनी शक्ति होती तो आज देश की जो गरीब महिलाएं हैं, जो बलात्कार कहीं ना कहीं हो रहा है उनके साथ, उनकी रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, और कहां गई वो शक्ति जो करोड़ों बेरोजगार नौजवानों का, जो काले धन के नाम पर आप चुनाव लड़े थे, और आज जो फेरिट लिस्ट आई है शक्ति की, जो कहीं ना कहीं अडानी अंबानी और धनाढ्य लोगों की शक्ति के तार सीधे सीधे आपसे जुड़ाई दिखे बॉन्ड के माध्यम से, जब उस शक्ति ने आपको प्रदर्शित नहीं करा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस देश की शक्ति को पहचाने, ना कि अपनी शक्ति को बढ़ाए। नहीं, आपने जो जिक्र किया जिन जिन लड़कियों के बारे में या महिलाओं के बारे में जिनका शोषण हुआ है, वो शक्ति की सुरक्षा को लेकर था, जिसमें आप दोनों ही पार्टी, इनफैक्ट मैं भी या कोई भी व्यक्ति विशेष उसकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया, वो एक अलग चीज हो गई। यहां पर आप शक्ति से सुरक्षा के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बात शक्ति के सुरक्षा और लड़ने की नहीं है, बात आज प्रधानमंत्री जी के बयान में आप देखिए कि ये शक्ति तो उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शित करा, मां काली का नाम लिया, मां दुर्गा का नाम लिया, या किस शक्ति का, किस भगवान की देवी का नाम राहुल गांधी ने लिया, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको धार्मिक उन्माद पर ले जाने की कोशिश करती है। मैं आप ही की डिबेट में था, सीए के माध्यम से लोग कोशिश करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस हमेशा एनसीआरबी की बात क्यों नहीं करती, कांग्रेस हमेशा मुस्लिम लोगों की बात क्यों करती है, बात आज हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। आज हिंदुओं के मामले में भी उन्होंने 10 साल के वो हिंदुओं को छोड़ दिया कि जो 31 दिसंबर 2014 के जो हिंदू थे, आज हिंदुओं में भी बंटवारा, आज जाति में भी बंटवारा, शब्दों में भी बंटवारा। मैं उस शक्ति का रूप कर रहा हूं कि जो मैंने आपको नाम गिनाए कि अगर ये शक्तियां थी तो प्रधानमंत्री की शक्ति कहां गई थी, इन बलात्कारियों का, इन भाजपा के नेताओं का जो इनकी संरक्षण में काम कर रहे थे, जिन पर एफआईआर तक बाद में हो गई, जिन पर जेल से जो बरी हो गए, जब प्रधानमंत्री की वो शक्ति कहां थी। अमित जी, तो आप इस तरह से कह रहे हैं जैसे कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि अपने आप को भगवान विष्णु का 13वां या 12वां रूप बनाने के लिए उतारू है मोदी जी, तो आप ऐसे कह रहे हैं विष्णु भगवान बन के वहां जाके वहां भस्म कर दें वो लोगों को जिन लोगों ने ये सब किया। खैर, मैं आपकी बात पे आऊंगा। केशवानी जी, जिस तरह से शक्ति का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है, अगर वो इतना ना जोड़ते आगे तो ये चल जाता और इसका इतना ज्यादा महिमा मंडन बीजेपी नहीं करती, क्योंकि हिंदू में एक शब्द आता है शक्ति, उसका उन्होंने इस तरह से जिक्र किया है, इस वजह से इसको बीजेपी इस तरह से ले रही है। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने भी तमाम केसेस गिना दिए कि तब शक्ति कहां गई थी जब इस शक्ति का शोषण हो रहा था। देखिए, मुझे लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, निश्चित रूप से उस पार्टी के नेता हैं जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं, निश्चित ही ये इस तरह की सब बात नहीं करेंगे, पर इन्होंने अपने विषय पर बात नहीं की। जो लोग तंदूर कांड में लिप्त हो, जिनके यहाँ के जो नेतागण हों, अनेक अनेक जो इनके बड़े नेता हों, जो अपनी साथी महिला को दंच माल कहते हों, अपनी साथी विधायक को आइटम कहते हों, तो मुझे लगता है कि उन लोगों से अगर ये इस तरह की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती। अपन मैं विषय पर ही रहूंगा क्योंकि विषय से भटक कर बात करने की आदत नहीं, क्योंकि ये जो हमारे अमित जी बैठे हैं मुद्दों से भटक कर बातें करते रहे, मुद्दे की बात नहीं। इनके इनके घोषणा पत्र में ये शब्द क्यों है कि हमारी लड़ाई उनके उनके खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो शक्ति के खिलाफ है, कौन सी शक्ति के खिलाफ ये उनको गले क्लियर करना। शक्ति को हमें हमारे देश में किसी चीज को माना जाता, महिला को, नारी को, बिटिया को, उनको हम शक्ति के रूप में पूजते हैं, कन्याओं की पूजन करके ही हम किसी चीज में आगे बढ़ते हैं, और जब आइए उस शक्ति को खत्म करने की बात, उस शक्ति पे लड़ाई करने की बात बाबा राहुल बाबा करते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूरा देश समझता है इस बात को कि ये लोग, ये अच्छी बात बोली इन्होंने अमित शर्मा जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को भी स्वीकार किया
कि कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टी है, वो सिर्फ एक 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 समाज को जो उसके लिए काम करने वाले ये लोग लोग उसी उसी की बात करते हैं, उसी के लिए करते हैं, पर हम लोग उस शक्ति को पूजने का काम करते हैं, उसको उसको माँ के रूप में पूजते हैं, बेटी के रूप में पूजते हैं। और अगर उस शक्ति को राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग अगर ये कहेंगे कि उनसे लड़ाई करेंगे, हम उनका विनाश करने के लिए भी आगे बढ़ने से नहीं, हम तो निश्चित रूप से उसकी पूजा करने वाले, जो उस शक्ति को मिटाने की चेष्टा करेगा, जो उस शक्ति को खत्म करने की चेष्टा करेगा, जो उस शक्ति के खिलाफ खड़ा रहेगा, हम उन सबसे लड़ने के लिए हमेशा सदैव तैयार रहेंगे। और हम तो उस शक्ति के लिए सुरक्षा की जो बात हम करते हैं, तो वो काम जो हम करते हैं निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए हम सदैव उसके लिए तत्पर हैं, और निश्चित रूप से हम नारी का सम्मान करते हैं। अभी आपने देखा हमारा एक पूरा पखवाड़ा नारी महाशक्ति का सम्मान के रूप में हमने गुजारा, और निश्चित ही हम सदैव से ही हम नारी को पूजते आए। और ये लोग जो खत्म करने की बात करते हैं, जो सपना देखने का काम करते हैं, उनको न तो जनता बख्शने वाली है, न ही हम लोग बख्शे। ठीक है, जैसे कि आपने कहा शक्ति का शब्द जो इस्तेमाल किया, लेकिन देखा जाए दुर्गेश जी, उनका कहीं से कहीं तक इसके शक्ति को लेकर खत्म करने या फिर इस शक्ति से लड़ने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। अगर थोड़ा एक कॉमन मैन भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो कांग्रेस क्यों लड़ेगी उस शक्ति से, क्यों उस शक्ति को खत्म करेगी, ये क्यों आखिर जनता, या तो जनता को कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि जनता अनजान है, इन शब्दों को जानते नहीं, मतलब हाँ पार्टी के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जनता तो लगभग जानती है उनका मतलब ये नहीं था। नहीं नहीं, मतलब नहीं था। आप अपने जब घोषणा पत्र में जो जारी किया उसमें ये लिखा है, कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। कौन सी शक्ति है ये कर देते भैया, ये पर राहुल गांधी जी, क्योंकि इनके इनके जो कांग्रेस के ही नेता थे अजीज अहमद कुरैशी जी, जो अब नहीं रहे हैं पूर्व राज्यपाल, वो हमेशा इस बात को कहते थे कि राहुल जी मंद बुद्धि के बालक हैं, अपरिपक्व नेता हैं, वो बचकाने हाथों में हमारा नेतृत्व है, और वो बातों को समझ ही नहीं पाते। जब समझ नहीं पाते हो तो आप बोलना क्यों, करना क्यों? ये निश्चित रूप से इसको इंगित करता है कि आप बार बार उस सेंटीमेंट्स को किल करना चाहते हो, उन सेंटीमेंट से खिलवाड़ करना चाहते हो। हम आप बता दो इस देश में शक्ति किसको किसको शक्ति कहा जाता है, किस शक्ति की पूजा की जाती है, आप बता दो हमें। नहीं बिल्कुल अमित जी, जैसे शक्ति का उन्होंने कहा कि आप बता दो आपके घोषणा पत्र में इस तरीके का जिक्र है, तो इसको क्लेरिफाई आखिर क्यों नहीं किया क्या? अगर उसमें भी मेंशन किया था, वो भी ये कह रहे हैं कि वहां मेंशन कर देते आप, तो इसको हर जगह आपने रख दिया पर मेंशन को क्लियर नहीं किया कि दिमाग में क्या लोगों के मैसेज जाना चाहिए। अब तो ये है कि अगर बीजेपी इस चीज को जैसे करके डालेगी कुछ नहीं तो कुछ लोगों में तक मैसेज जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे विद्वान साथी हैं कुछ बयानों की बात कर रहे थे, तो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और राम जेठमलानी जी का बयान उठा लें कि वो प्रधानमंत्री जी को कितनी शक्ति और किन शब्दों में उल्लेख करते हैं। हाल ही में इनके द्वारा जो पहले गवर्नर बनाए गए थे मलिक साहब, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की और पूरी शासन नीतियों की शक्ति का प्रयोग कर बताया है। मैं ज्यादा उसको इधर उधर नहीं ले जाना चाहता, मैं ये बात करना चाहता हूं कि आज तो चुनाव पिच पर हैं ये, और इस पर सिर्फ गेंद जो धार्मिक बॉल से ही वही बैट्समैन है और वही बॉलर है, लेकिन जिस शक्ति की बात है, जो वाकई में एक नौजवान शक्ति भारत में है, जो करीब मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग नौजवान है और 20 करोड़ से ऊपर लोग इस देश में बेरोजगार है, वो उस शक्ति की बात प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। आज जो महिला अपना सशक्त अधिकार मांग रही है, बराबर की हिस्सेदारी मांग रही है, और जिसके लगातार रोज बलात्कार हो रहा है, रोज मध्य प्रदेश में करीब 7 महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, देश में करीब 19 महिलाओं के साथ रोज प्रताड़ना हो रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग साक्षी की बात नहीं करेंगे। लगातार आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार, उन पर बाथरूम करी जाती है, फिर उनके पैर धुलाए जाते हैं, ये कृत्य मध्य प्रदेश के इतिहास में काले अक्षरों में इस इतिहास में दर्ज हो चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में है। ये उस शक्ति की बात नहीं करेंगे, ये शक्ति की बात करेंगे धार्मिकता की। और ये पूछ रहे हैं बार बार के कौन सी शक्ति का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, ये राहुल गांधी उस शक्ति का जिक्र कर रहे हैं जिसको ये धार्मिक उन्माद पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बॉन्ड की शक्ति निकली है सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट की लिस्ट के अनुसार जो पाकिस्तान की एक एजेंसी से इन्होंने करोड़ों रुपए लिए, जो चाइना की एक एजेंसी से जिसने करोड़ों रुपए लिए, और जो तमाम शक्तियां इनको चलाने का काम कर रही हैं, जो बॉन्ड के माध्यम से जो काले धन को दूसरे रास्ते से ले जाने किसे भारतीय जनता पार्टी सशक्त और सशक्त शक्ति हो रही है, ये उस दीपक जी ये उस शक्ति का काम राहुल गांधी कह रहे हैं, ये उस शक्ति को तहस नहस करने की बात कर रहे हैं। बाकी जो आप तो शक्ति को तहस नहस करने गए थे, जो बजरंग बली और मां काली की लड़ाई पश्चिम बंगाल में करने गए थे, आपको अर्श दिखाई दिया, आपने हिमाचल में वहां की देवी का और आपने अपने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करी थी, वहां की जनता ने आपको जवाब दिया, दिल्ली में आप हो नहीं, पंजाब में आप हो नहीं, आप हिमाचल में आप हो नहीं, कर्नाटक में अभी आप हो नहीं, तेलंगाना में आप हो नहीं, आप किस शक्ति की लगातार बात कर रहे हैं? आपकी असली शक्ति जहां से आ रही है उसकी सुप्रीम कोर्ट की सूची दिखाई दे रही है, जब ये दीपक भाई ये इधर उधर की शक्तियां ढूंढ रहे हैं। नहीं तो जैसे कि आप क्या आप गलत क्या कहना चाह रहे हैं, अभी आपने जो मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को उठाया उसमें कंपनी जो जिन्होंने डोनेशन दिया है जिसे आप कह रहे हैं उन पे उठाया या पूरे सिस्टम पे उठाया जो इलेक्ट्रो बॉन्ड में, उसमें तो कुछ आपका भी था कुछ 1200 करोड़ समथिंग, हाँ बीजेपी थोड़ा ज्यादा। मैं कहना चाहता था दीपक भाई आप ये प्रश्न पूछे, हाँ देखिए सीबीआई और आईबीआर और जितनी एजेंसी है वो आज कांग्रेस तो नहीं चला रही, कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है। 4 जून के अंदर सीबीआई किसी को नोटिस देती है, वो 9 जून के अंदर वो कंपनी उनको बॉन्ड से चंदा दे देती है, ये प्रमाण है, ये कांग्रेस नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई ने जो अलग दस्तावेज प्रस्तुत करें पूरे देश ने उसे देखें। आपने इनकम टैक्स ने जिसको नोटिस दिया, जो कंपनी 12 करोड़ की आय कर रही है वो कंपनी एक आपको दूसरे रास्ते से 142 करोड़ रुपए दे रही है, ये इस शक्ति की बात हो रही है। इस शक्ति को डाइवर्ट करने की कोशिश जो धार्मिक शक्ति के आधार पर किया जा रहा है, ये इससे भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी पिच पर है, ये शक्तियां तो आएंगी लेकिन इनकी असली शक्ति उजागर हो चुकी है। नहीं ये तो खैर अभी बहुत सारी जानकारी भी ऑन बाकी है, जब आएगी तब हम इस पर चर्चा करेंगे। केशवानी मैडम जिस तरह से शक्ति की बात हो यहां पर, जिस तरह से केशवान जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं यहाँ पर शक्ति की बात, हालांकि वो अदर साधने की कोशिश कर रहे हैं, अमित जी अलग से साफ नजर आ रहा है कि वो उसको कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं। किसी साधने की कोशिश नहीं कर रहा, देखिए राहुल जी को बयान को उठा लीजिए, उसने ना किसी देवी का नाम लिया ना किसी नारी शक्ति का नाम लिया, वो उन्होंने सीधा बताया कि जिस फाइनेंशियली शक्ति से फाइनेंशियली चलाने की काम कोशिश कर रही है वो शक्तियों को तोड़ना। आप फाइनेंशियली शक्ति जोड़ सकते थे, कोई और शक्ति जोड़ सकते थे, बाहरी शक्ति जोड़ सकते थे, आपने ये क्यों कह दिया कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, तो बस वही दिक्कत होगी सर। हिंदू अगर हिंदू वाली बात आती तो वहां की शक्ति है, वहां कोई और हिंदू धर्म तो ये भी कह रहा है कि देवियों को जो शक्ति है उनके साथ जो बलात्कार हो रहा है उनको रोकना चाहिए, हिंदू धर्म तो ये भी कह रहा है जो भगवान राम के अनुयायी है उनको रोजगार देना चाहिए। बात यह है कि आप धर्म को तो सबसे पहले भी राहुल जी लेके आए ना, अगर आप धर्म को नहीं लेके आते, आप शक्ति जो आप जिस तरह से बोल रहे हैं जो बलात्कारी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो राक्षसों को मारने की बात करते हैं ना, वो उस तरह के राक्षस है जो देश में जो महिला शक्ति है उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, आप उन राक्षस को मारने की बात करते हैं। आपने कहा कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उस शक्ति को हम खत्म करने आए हैं, तो शक्ति कौन है? हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो हमारे देश में शक्ति माँ दुर्गा से माना जाता है, हम देवी की पूजा करते हैं, हम उसे शक्ति मानते हैं, हम जो भी कन्या है उनको शक्ति मानते हैं, इस देश में हर महिला को एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। अगर आप ये कहते हैं तो हम कह रहे हैं कि देखो आपको ही समझना चाहिए, मोदी जो है वो फास्ट बॉल खेलने में माहिर है, आप उन्हीं के सामने फास्ट बॉल डालते हो धर्म का, जब धर्म का बॉल उनके सामने डालेंगे तो वो तो छक्का मारेंगे ही उस पे। तो आप इस चीज को आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस फील्ड में आप खेलनी है, छक्का तो मोदी जी ने मार दिया और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो करोड़ों अरबों रुपए जो लिस्ट आज सूची आई है उस पर तो उन्होंने प्लेट नहीं करा है, वो छक्का तो उन्होंने मार ही दिया है। ये तो देश की जनता जो बेरोजगार नौजवान है वो देख रहे हैं कि आज राहुल गांधी सड़कों पर किस शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है किश, यहाँ पर किशोर जी जिस तरह से एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह से इसको शक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में भी इसको काफी ज्यादा महिलाओं के बीच उछाला और रखा, क्या लगता है कि इस प्रकार के शब्दों से वाकई फर्क पड़ता है, या फिर इस प्रकार की जो हम अगर शब्दों को लेकर जनता में बीच जाते हैं अपना मतलब निकालते हैं तो क्या इससे वाकई चुनाव या वोटिंग परसेंट पर कोई फर्क पड़ता है?
देखिए वोटिंग परसेंट और वोटिंग वोट की राजनीति करते ही नहीं उस पर अगर आप देश में इस तरह की बातों करेंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातन में अगर आप हिंदू धर्म में आप देखिए ना, एक वरिष्ठ पत्रकार जो बैठी है वो भी स्पष्ट रूप से कह रही है कि शक्ति का मतलब क्या है। जब आप उस शक्ति को समाप्त करने की बात करोगे ना, तो ये दिखलाता है कि आप एक अहंकारी प्रवृत्ति के लोग, आप राक्षस की भूमिका में हो वहां पे कि आप शक्ति को, आप देखिए जो पौराणिक माइथोलॉजी है उसमें जब आप देखेंगे तो शक्ति के विनाश करने के लिए कौन आगे आता था, ये वही वही लोग आगे आते थे जो राक्षस होते थे, जो 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 एक धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ जो अनाचार अत्याचार करते थे वो सामने आते थे। और आप आज राहुल गांधी जी उसमें आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सनातन सनातन को अगर आप इस तरह से छिन्न भिन्न करने का काम करोगे, और आप ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं हमारे अमित शर्मा जी, रोजगार की बात कर रहे हैं, आप रोजगार उठा के देख लो, जो जो जॉब सीकर थे आज वो जॉब देने का काम कर रहे हैं, आपके समय पे 250 स्टार्टअप से आज 1,00,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। ठीक है, ये सर समय की जमा खर्ची करते हैं, तो तथ्यों के पास जाके बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं के अत्याचार की बात करते हैं। समय का अभाव, समय खत्म हो चुका है, इसलिए सीए जी की रिपोर्ट माफी चाहूंगा, इसको आगे नहीं ले जा पाऊंगा मैं आपको। केसवानी बहुत बहुत शुक्रिया केसवानी जी आपका, केसवानी मैडम आपका, और अमित जी आपका, चूंकि समय समाप्त हो गया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जब भी अपने मुंह से कोई बाण छोड़ते हैं तो अपने तरकश में लेकर मोदी उसे लाभ उठा लेते हैं। अब देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव, और ऐसे कई शब्द और भी आएंगे इस राजनीतिक बाजार में, उन्हें बनाने की कोशिश कभी बीजेपी करेगी तो कभी कांग्रेस करेगी, लेकिन वाकई लाभ किसे मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, हर बार की तरह नरेंद्र मोदी का हर सभा में जो कॉन्फिडेंस है पिछले साल से ज्यादा नजर आ रहा है, जिस तरह से वो 400 पार का नारा दे रहा है, अब देखना होगा कि 400 पार होते हैं या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।